ये इसलिए कर रहा हूँ कि अपना नया रूल आ गया है जो उसमें काफ़ी टफ हो गया, 6 ही टीमें सिंध से, इतने बड़े मार्शल आर्ट सीनियर प्लेयर पाकिस्तान प्लेयर ही काफ़ी हैं, तो उसमें हम यंग प्लेयरों को बहुत मुश्किल हो गया है कि आएँ और सर्वाइव करें। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद हो गई है, साथ जो डिपार्टमेंट से होता था कि खेल लेते थे, और उसके अलावा फिर ये हुआ है कि एक सिंध की टीम है उसमें भी नाम नहीं आ पाया, वो अल्लाह जाने। मेहनत तो कर रहे हैं अपनी लगे हुए, ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि ये काम सीख रहा हूँ, जिस काम में 12 बजे तक 2 बजे तक इस काम को करता हूँ मैं, उसके बाद 2 से 4 क्रिकेट खेलता हूँ अपनी, क्यों अपनी क्रिकेट को नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह, क्रिकेट कभी भी नहीं छोड़नी, क्रिकेट ही खेलनी है। तो उसके बाद फिर घर का गुजारा फिर भी नहीं हो पाता क्योंकि ये तो काम सीख रहा है, उसमें मजदूरी मिलती है बस, और तो इसलिए फिर मैं टैक्सी चलाता हूँ शाम में, वो टैक्सी से फिर अपने घर को पूरा। मैं 2012 से तकरीबन मैं घर को चलाता आ रहा हूँ, आज तक मैंने ही घर को अपने चलाया, और बीच में मेरे अब्बू के हालात तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई, तो कोई काम करने वाला नहीं, तो मुझे ही स्टैंड लेना पड़ा कि मैं कुछ करूँ, अब एज आ गई, अब कुछ करूँ। तो इसलिए मैं ये काम सुबह में ये काम सीखता हूँ, दोपहर को प्रोफेशनल अपनी जो क्रिकेट है, मेरा जो प्रोफेशन मेरा प्यार है जिसको मैं बहुत दिल से खेलता हूँ, उसमें मैं अपना पूरा 100% देता हूँ, और शाम में फिर मैं टैक्सी चलाता हूँ कि मेरा घर किसी तरह के पूरा, फिर भी पूरा नहीं होता क्योंकि क्रिकेट एक हमारा प्रोफेशन है, उसमें हमारी एक सैलरी पैकेज हमारा एक अच्छा होता है। इस काम में मुझे 800-1000 रुपये मिलते हैं, उस काम में मेरा अच्छा था वो, इसीलिए मुझे अब करना तो कुछ ना कुछ है, घर तो नहीं बंद कर सकते ना। उसमें कैंप में हम शाहिद भाई के साथ भी खेले, उसमें एक ही टीम से, बाकी मिल्वा भाई के खिलाफ भी खेला, मिल्वा भाई के साथ ऐसे खेला कि डिपार्टमेंटल से खेला था, SNGPL के वो खेलते हैं SNGPL से, तो मैं नेशनल बैंक से, इसलिए मैं उसको नहीं छोड़ सकता, बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता किसी भी हालात में, क्रिकेट में हमेशा खेलूँगा, मेरी उम्मीद और मेरी सोच मेरी होप है, और मैं पूरी अपनी लगन से साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट मुझे करना है। दुनिया के काफ़ी ज़्यादा प्लेयरों के साथ और कोचिंग जिनके साथ काम किया, वकार यूनुस के साथ काम किया है NCA में, वो हमारे बॉलिंग कोच थे, तो उसके अलावा मोहम्मद अकरम के साथ काफ़ी काम किया है, और मोतिशिम भाई के साथ काम किया, मंसूर राणा के साथ काम किया है, और कराची में मसरूर भाई और आज़म खान, इन सब के साथ भी बहुत ज़्यादा काम खेला था। तो मुझे कराची से जब खेलो तो अच्छे पैसे मिलते, 2.5 लाख रुपये मिलते थे, और जब डिपार्टमेंट में था मेरी 60,000 रुपये पे थी, यहाँ पे मैं सब कुछ करके भी पूरे महीने काम सीखता हूँ, यहाँ पे 800 रुपये मजदूरी मिलती है, 1000 रुपये मजदूरी मिल जाती है, ये सब कर करा के टैक्सी चला चलूँ के 150-1500 रुपये तकरीबन दिन के बचते हैं, क्योंकि टैक्सी किसी और की उसको भी देने पड़ते हैं, इस काम को और उस काम को मिला के दिन के 150।
away from his body, once again trying to clear the boundary. Mid-wicket return has made a huge strike. Thick solid edge remaining here and an easy catch in the end. He was trying to push it all the way on the outside. As I was saying that he gets the hook, only the hook pull it up. Sure, look at this piece. Whoops. Oh, brilliant. Brilliant catch. Ghauri has his revenge. But he's gonna tank. Burki. That's a light bulb catch. When you're changing the light bulb, well, that's how you go for it. Unbelievable. We've seen some excellent catches at this venue. This will be in that list. Moores goes for a well-made 47. It's 58 for 3. 13 for 6. Should be out. Nice reward for Saif Ali. Keep the ball up there at the end of the innings.